सहायक निर्वाचन अधिकारी गुलजीत सिंह चीमा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश की ओर से पांवटा साहिब पहुंची। मतदाता जागरूकता एलईडी वैन को आज सुबह एसडीएम कार्यालय पांवटा साहिब से झंडी दिखाकर रवाना किया। गुलजीत चीमा ने बताया कि इस मतदाता जागरूकता एलईडी वैन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश के सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए संदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह एलईडी वाहन पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी। इस एलईडी वाहन के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि वह अपने विवेक से आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। आज स्वीप के इनिशिएटिव के तहत हमने एक मोबाइल वैन को ग्रीन फ्लैग किया है पांवटा साहिब सब डिवीजन में, जो कि ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में जा जाकर लोगों को वोटर जागरूकता के लिए जागरूक करेगा और साथ में ऑडियो विजुअल माध्यम से उनको ये पता करेगा कि वोट की अहमियत कितनी बड़ी चीज़ है और किस तरीके से सभी को बढ़ चढ़ कर आकर 1 जून को अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना है और अपना विवेक इस्तेमाल करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन को सपोर्ट करना है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। सहायक निर्वाचन अधिकारी गुलजीत सिंह चीमा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश की ओर से पांवटा साहिब पहुंची। मतदाता जागरूकता एलईडी वैन को आज सुबह एसडीएम कार्यालय पांवटा साहिब से झंडी दिखाकर रवाना किया। गुलजीत चीमा ने बताया कि इस मतदाता जागरूकता एलईडी वैन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश के सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए संदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह एलईडी वाहन पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी। इस एलईडी वाहन के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि वह अपने विवेक से आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। आज स्वीप के इनिशिएटिव के तहत हमने एक मोबाइल वैन को ग्रीन फ्लैग किया है पांवटा साहिब सब डिवीजन में, जो कि ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में जा जाकर लोगों को वोटर जागरूकता के लिए जागरूक करेगा और साथ में ऑडियो विजुअल माध्यम से उनको ये पता करेगा कि वोट की अहमियत कितनी बड़ी चीज़ है और किस तरीके से सभी को बढ़ चढ़ कर आकर 1 जून को अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना है और अपना विवेक इस्तेमाल करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन को सपोर्ट करना है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। सहायक निर्वाचन अधिकारी गुलजीत सिंह चीमा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश की ओर से पांवटा साहिब पहुंची। मतदाता जागरूकता एलईडी वैन को आज सुबह एसडीएम कार्यालय पांवटा साहिब से झंडी दिखाकर रवाना किया। गुलजीत चीमा ने बताया कि इस मतदाता जागरूकता एलईडी वैन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश के सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए संदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह एलईडी वाहन पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी। इस एलईडी वाहन के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि वह अपने विवेक से आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। आज स्वीप के इनिशिएटिव के तहत हमने एक मोबाइल वैन को ग्रीन फ्लैग किया है पांवटा साहिब सब डिवीजन में, जो कि ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में जा जाकर लोगों को वोटर जागरूकता के लिए जागरूक करेगा और साथ में ऑडियो विजुअल माध्यम से उनको ये पता करेगा कि वोट की अहमियत कितनी बड़ी चीज़ है और किस तरीके से सभी को बढ़ चढ़ कर आकर 1 जून को अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना है और अपना विवेक इस्तेमाल करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन को सपोर्ट करना है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।